हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर आप जो ये वीडियोस बनाते हैं तो आप कैमरास कौन सा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ, मैं इतना कोई टेक्निकली साउंड नहीं हूँ कैमरा के बारे में। मैं तो सिंपली कैनन के शोरूम पे गया था और कैनन के शोरूम पर जाने के बाद मैंने अपनी रिक्वायरमेंट उनको डाली कि मुझे इंटरनल जो मेरा स्टूडियो है मुझे अपने इंडोर वीडियोज़ बहुत अच्छी बनानी है, क्योंकि मैं सिंपली यूट्यूब पर काम करता हूँ तो मुझे यूट्यूब के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनानी है। तो यूट्यूब पर अच्छी से अच्छी इंडोर वीडियोज़ बनाने के लिए जो कैमरा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था वो था दोस्तों कैनन का 4K XA40 मॉडल। ये कैमरा है दोस्तों जो मेरे पास है, जिससे मैं अपने यूट्यूब की इंडोर वीडियोस बहुत अच्छी बना देता हूँ और बहुत ही अच्छा मुझे तो इस कैमरे की परफॉर्मेंस लग रही है। अगर मैं इस कैमरे के बारे में ज़्यादा बताऊँ तो स्पेशली इसके अंदर देखो लेंस की कैप दे रखी है, ये लेंस कैप है। इस लेंस कैप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कैमरे का लेंस हो गया। और कैमरे में जो लेंस है वो है 20x4 समथिंग कुछ बोलते हैं, 24 जो है वो कैमरा लेंस बोलते हैं। ये आपको ज़्यादातर दिख भी रहा होगा, ये इसके अंदर 4K वीडियो लेंस है और जो इसका ऑप्टिकल जूम है वो 20x ऑप्टिकल जूम है इसके अंदर। और ये है कैनन का 4K XA40 मॉडल। और ये मैं अब पेन कैप को जो कैमरे की लेंस कैप है उसको लगा देता हूँ। उसके बाद जो इसके अंदर मेरे को जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी वो ये लगी कि देखिए कैमरे के अंदर एक तो स्पेशली क्या है, इसके अंदर बोलते तो ये है कि 256 GB तक, 256 GB तक इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड स्लॉट हैं वो काम करते हैं, लेकिन मैंने 64 64 GB की यहाँ पर ये देखिए दो मेमोरी स्लॉट के अंदर दोनों अपने मेमोरी कार्ड लगा रखे हैं। सबसे अच्छी खासियत मुझे इस कैमरे की क्या लगी वो ये लगी कि जैसे ही ऑटोमेटिक इसका जो फर्स्ट मेमोरी कार्ड है, अगर हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट जो मेमोरी कार्ड है वो फिल हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसी वक्त चलती वीडियो के अंदर ही हम लोग सेकेंड मेमोरी कार्ड के अंदर हम लोग उसको ट्रांसफर भी कर लेते हैं, तो हमारी जो पिछली वाली वीडियो है वो भी प्रॉपर सेव हो जाती है और कोई डेटा लॉस भी नहीं होता। तो ये मेमोरी कार्ड स्लॉट बहुत अच्छा इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा जो है इसकी डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले बहुत अच्छी दे रखी है इसके अंदर। मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, ये डिस्प्ले बहुत अच्छी है और इस डिस्प्ले के लिए जो कंट्रोल दे रखा है वो यहाँ पे ये जॉयस्टिक दे रखी है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये एक जॉयस्टिक का कंट्रोल है। ये बहुत अच्छा कंट्रोल दिया हुआ है जिससे मैं अपना पूरा मेन्यू कंट्रोल कर लेता हूँ। अब अगर मुझे कोई ऑडियो एडजस्ट करनी हो, वीडियो एडजस्ट करनी हो, कैप्चरिंग उसकी एडजस्ट करनी हो, तो मुझे तो ये इंडोर वीडियो के लिए सबसे अच्छा लगा। बहुत अच्छी पावरफुल बैटरी भी है, लगभग लगभग मुझे 3 घंटे का सपोर्ट मिल जाता है इसकी बैटरी पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बैटरी लगी हुई है इसकी, और इस बैटरी को भी मैं बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहा हूँ। वैसे कई बार अगर मुझे अच्छा, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि मैं बहुत अच्छे आउटडोर शूट भी निकाल पा रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो शूट किया आउटडोर, एक एजुकेशनल वीडियो हम लोगों ने बनाई है, एक पूरे कॉलेज की वीडियो मैंने शूट किया इसके साथ, तो वो बहुत अच्छे लेवल पर मैंने वो वीडियो शूट की है। लेकिन उसमें सिंपल सी प्रॉब्लम क्या आई कि हम लोगों को 4-5 घंटे अगर काम करना था तो मुझे एक एक्स्ट्रा बैटरी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इस बैटरी का जो बैकअप है वो लगभग लगभग 2.5 से 3 घंटे तक का है। तो ये इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, जॉयस्टिक कंट्रोल दिया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो ये आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन जूम इन जूम आउट, ये फास्ट जूम इन जूम आउट है। और इसके साथ अलग से एक ये हैंडल दिया गया है जिसके अंदर बेसिकली देखिए आप यहाँ पर ये दो माइक ऑप्शन आप देख रहे होंगे। इसके सबसे अच्छी एक और खासियत मुझे लगी कि बिल्ट इन माइक इसके अंदर है, और अगर मुझे अलग से दो माइक अगर इसके साथ कनेक्ट करने हैं तो वो दो माइक मैं यहाँ पर अलग से कनेक्ट करके, और यहाँ पर देखिए माइक के कंट्रोल ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उन सारे माइक के कंट्रोल ऑप्शंस को यूज़ करके मैं प्रॉपर वॉल्यूम भी सेट कर पा रहा हूँ। और एक अच्छा इसमें इस हैंडल में सबसे अच्छी क्या बात लगी, वीडियो को अगर आपको बीच में स्टार्ट और स्टॉप करना है तो यहाँ पर देखिए एक ये बटन दिया गया है स्टार्ट और स्टॉप ऑप्शन करने के लिए, और एक जूम इन जूम आउट अलग से दिया गया है इस हैंडल पर, यानी कि एक जूम इन जूम आउट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है और एक जूम इन जूम आउट आपको हैंडल के ऊपर मिल रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ये वाला जूम इन जूम आउट है वो थोड़ा स्लो है और ये वाला जो जूम इन जूम आउट है वो फास्ट है। और इस हैंडल पे एक खासियत यह है कि अगर मुझे बाय चांस अगर मुझे अपनी कोई ऐसी वीडियो बनानी है, जैसे आप लोग देखते हो ब्लॉग वगैरह की जो वीडियोस होती हैं, तो अगर मैं चलते चलते कोई ब्लॉग बना रहा हूँ तो वहाँ पर अगर मुझे इनबिल्ट इसके साथ अगर माइक अटैच करना है तो मैं यहाँ पर भी एक माइक का स्लॉट दिया गया ऊपर, यहाँ पर भी मैं एक माइक जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास स्पेशली मैंने रोड का एक माइक भी लिया हुआ, दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये मेरे पास एक रोड का माइक भी है। इस रोड के माइक को मैं स्पेशली इसके ऊपर कनेक्ट कर लेता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, कोई व्लॉगिंग करना भी मेरे लिए बहुत इजी हो गया, और एज वेल एज जो अगर मुझे कोई वीडियो इंडोर भी शूट करनी है तो वो इंडोर वीडियो के लिए भी साउंड क्वालिटी भी इस माइक की बहुत अच्छी है। ये रोड का माइक है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और इस रोड के माइक के अंदर भी जो है इनपुट का ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इन ऑडियो को किसी भी हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रांग नहीं हूँ मैं माइक और कैमरास के बारे में, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो बता रहा हूँ। अलग से कैप लेंस दी गई है, इवन अगर मेरे को लेंस को कहीं ना कहीं पर कंट्रोल करना है कि जहाँ पर डस्ट वगैरह ना जाए, तो अलग से लेंस का हुड लेंस बैरियर जिसको बोलते हैं वो भी दिया गया है, तो वो भी यहाँ पर मैं ईजीली
जो है इसके साथ वो प्लग इन प्ले कर पाता हूँ उसको मैं, तो इससे क्या होता है लेंस के ओवरऑल कंट्रोल रहते हैं। और अलग से इसके अंदर देखिए आप ये जो लेंस का दिया गया है ये ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है, ताकि अगर मुझे डस्ट से बचाना है तो अगर मैं कैमरे से काम कम कर रहा हूँ तो इसको मैं ऑफ करके रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं ऑन करके भी यहाँ पर लगाकर इसको बहुत अच्छा काम इसके साथ मैं निकाल पा रहा हूँ। तो इंडोर वीडियो के लिए मुझे तो सबसे अच्छा कैमकॉर्डर जो है कैनन का ये XA40 लगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लाख सवा लाख रुपए की रेंज में मुझे मैंने लिया था, अभी लगभग एक साल पहले मैंने ये कैमरा परचेज किया था, बहुत टाइम बाद ऐसी मन किया मुझे लगा कि चलो एक XA40 के ऊपर भी एक वीडियो बनाते हैं। सबसे अच्छी खासियत जो लगी वो ये लगी इनबिल्ट माइक है, सबसे अच्छी बात दो माइक अलग से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, दोनों माइक का मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट के दो ऑप्शन हैं। और अब इसकी एक अच्छी और खासियत आपको बताता हूँ दोस्तों, जो मुझे लगी वो ये है कि चार्जर इस कैमरे का मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, चार्जिंग में लगभग 2 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा जो है वो कैमरा जो है वो पूरा चार्ज हो जाता है। CA570 चार्जर है इसका, ज़्यादा मेरे को इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ठीक है ना, जब मैं कैनन शोरूम पे गया था तो उन्होंने बताया था कि सर ये बहुत अच्छा चार्जर माना जाता है, तो ठीक है CA570 चार्जर है इस कैमरे के साथ, 2 घंटे के अंदर ये कैमरा मेरा पूरा चार्ज हो जाता है और मेरे को ओवरऑल लगभग 2.5 से 3 घंटे तक मेरा ये कैमरा बहुत अच्छे तरीके से रन करता है। इसके अलावा जो मुझे इस कैमरे के अंदर और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिली वो ये थी कि देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इवन अगर मैं यहाँ पर अपना हेडफोन लगाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर मैं हेडफोन लगा सकता हूँ, अगर मैं माइक और एक और अनेबल करना चाहूँ यहाँ पर माइक का ऑप्शन दिया गया है, इवन HDMI ऑप्शन भी है, और अगर मैं कोई USB से डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो USB डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी अलग से पॉइंट दिया गया है। और इसकी मेरे को जो सबसे अच्छी जो डिस्प्ले लगी वो डिस्प्ले की खासियत ये है कि इसके अंदर जो ये डिस्प्ले है देखिए दोस्तों ये पूरा 360 डिग्री डिस्प्ले है, मैं इस डिस्प्ले को किसी भी तरीके से मूव कर सकता हूं, तो ये पूरा 360 डिग्री जो है वो कैनन के XA40 मॉडल के अंदर मुझे जो है वो डिस्प्ले मिली कैनन कैमरा में। तो ओवरऑल मेरे लिए इंडोर सेटअप के लिए इंडोर वीडियो के लिए मुझे सबसे अच्छा जो कैमरा है वो यही लगा। तो बस इससे ज़्यादा मेरे को कैमरे के बारे में पता नहीं है, जो थोड़ा बहुत पता था वो मैंने आपको XA40 मॉडल के बारे में बता दिया, बट हाँ आई एम वेरी हाईली सेटिस्फाइड विद दिस कैमरा, क्योंकि मेरा क्रोमा की बात करूं या क्वालिटी 4K क्वालिटी की बात करूं, इंडोर वीडियोस की बात करूं, तो मैं काफ़ी अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग एज वेल एज वीडियो मेकिंग इस कैमरे की हेल्प से कर पा रहा हूं। सो थैंक्स टू कैनन कि उन्होंने एक अच्छा रेंज में एक अच्छा XA40 मॉडल जो है वो लॉन्च किया। और मुझे तो ये भी पता लगा था उस टाइम पर कि कैनन ने 4 मॉडल एक जैसे लॉन्च किए हैं 40, 45, 50, 55, तो जो मेरा जो इंजीनियर था वहाँ पर कैनन में तो उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया कि सर एक अच्छे सूटेबल रेंज के अंदर जो कैनन कैमरा है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, इंडोर वीडियोस बनानी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो कैमकॉर्डर है वो ये है, तभी मैंने ये कैनन का XA40 मॉडल जो है वो प्रेफर किया। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना नॉलेज थी XA40 मॉडल के या कैमरन के बारे में वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ जो है वो डिस्कस की। बाकी अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कैनन XA40 मॉडल का जो है लिंक वो है मैं वो पेस्ट कर रहा हूँ, आप इजीली अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो XA40 मॉडल की पूरी डिटेल आपको कैनन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, सेम लिंक मैं अपनी वीडियो पर भी पेस्ट कर रहा हूँ तो आप उसके बारे में डिटेल जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रिव्यूइंग अबाउट कैनन XA40 मॉडल। थैंक यू सो मच।